السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارا محرم الحرام مطابق 17 نومبر کا یہ سیشن میری رحم سے ہو رہا ہے. آواز گرفتہ ہونے کی وجہ سے سیشن گنگا جی کے بعد ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. آپ لوگ اپنے جواب سوال پوچھیں. جی What is the Islamic method of giving shoulder for janaza? It is good deed. It is desirable. In Islam. ایسا پرفیوم یا باڈی اسپرے جو الکوہل فری ہو اسے اسپرے کر کے لگایا جا سکتا ہے. بریلی شریف کے پاس نکٹیا میں ایک بہت بڑا سلاٹر ہاؤس بن رہا ہے. اچھا بس اتنا بول دیجئے. دوسرا ہے پھر نام لگایا جا سکتا ہے. وی پے 10,000 روپیز ٹو سنی مدرسہ انسٹیڈ آف قربانی because no madrasa in near about 50 kilometers it is accepted our qurbani to Allah Pak. Repeat the question. If we pay 10,000 rupees to Sunni madrasa instead of qurbani because no madrasa in near about 50 kilometers is accepted it's accepted qurbani to Allah Pak. No. Why we do اجتماعی سلام آفٹر نماز. حضرت ایک ہی مسجد میں جمعہ کی دوسری جماعت کس طرح کریں ایک بار سب نمازی نہیں آ سکتے. ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے لوگ کسی اور مسجد میں چلے جائیں صورتحال ہے تو دوسری نماز ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس کا امام نماز جمعہ پڑھنے کا کے لیے امام معذور ہو. ہر امام جمعہ نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ امام
एक शेर है, अंबिया औलिया को है सदमा मौत का एक दिन, इसका क्या हुक्म है? ये इसमें क्या? एक शख्स अपने आप को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का खलीफा कहे और जानबूझकर वहाबी का निकाह पढ़ाता है तो उसकी खिलाफत रही? वहाबी का निकाह पढ़ाना हराम है, और अगर उसको मुसलमान पढ़कर समझ के पढ़ाता है तो ये कुफ्र अंजाम है। सूरत में उस शख्स की खिलाफत दरकिनार, उसका ईमान की भी कायम नहीं है। ज़ैद कहता है कि अल्लाह की इबादत से पहले शौहर की खिदमत करो। कहता है कि कोई आलिम या मौलाना अगर ये कह दे कि कुफ्र बोलने से निकाह टूट जाता है तो वो यानी ज़ैद जिंदगी भर उसकी गुलामी करेगा। सवाल ये है कि नंबर एक, ज़ैद के ऐसा कहने पर शरीयत का क्या हुक्म है? नंबर दो, क्या ऐसे शख्स की गवाही कबूल की जाएगी या नहीं? नंबर तीन, ऐसे शख्स से ताल्लुकात रखना कैसा है? ज़ैद बेक़ैद क्या है और अल्लाह की इबादत शहर की खिदमत को मुकदम बताना खिलाफ इस्तेमाल भी है और दूसरा और उसका कुफर बोलने से निकाह टूट जाता है शादी ब्याह की तकरीब में गैर मुस्लिम को बुला सकते हैं? हजरत, क्या तीनों खुलफाए राशिदीन के कातिल को जहन्नमी कह सकते हैं? जोशी मुर्तद है, वो हमेशा जहन्नमी है।
जी, जो वजीफा आसमान तले और खुले सर 450 बार हस्बुनल्लाह का पढ़ते हैं, अगर कोई औरत पढ़े तो उसे सर के बाल छुपाने का कहा जाएगा? उसको बलवाई से ढकने का हुक्म है, और अगर तन्हाई में पड़ती हो कोई गैर महरम न हो तो सर खोल सकती है। पिछले काफी सालों से मेरे खानदान में मुहर्रम के दिनों में ताजिया रखा जाता है और मैं उसमें शरीक नहीं होता हूं, लेकिन जब मैं अपने खानदान या घर वालों से इस बारे में कुछ कहता हूं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या राय या क्या करना चाहिए? आप शरीक नहीं होते हैं। एक शख्स ने मुझसे ये पूछा कि भाई, जो शख्स गरीब है वो तो हज पर जा नहीं सकता, वो शख्स अगर हुजूर ख्वाजे अजमेर की बारगाह में अजमेर चले जाए तो क्या उस शख्स को हज का सवाब मिलता है कि नहीं? हमारे गांव में दो कब्रिस्तान हैं, जिसमें एक कब्रिस्तान में कब्रों को मिटाकर उस पर मैरिज हॉल बनाया गया है, तो जिसने ये हॉल बनवाया, हमारे गांव में दो कब्रिस्तान हैं, जिसमें एक कब्रिस्तान में कब्रों को मिटाकर उस पर मैरिज हॉल बनाया गया है, तो जिसने ये हॉल बनवाया है और बनवाने में मदद की है, उनके लिए क्या हुक्म है? अगर उस हॉल में खाने की दावत आए तो वहाँ खाना कैसा है, क्योंकि ये मैरिज हॉल कब्रों पर बनाया गया है? क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर आजम कह सकते हैं? पैगंबर आजम यूसुफ अलैहिस्सलाम तबारक व तआला। एक मौलाना ने तकरीर में कहा कि खुदा पहले आया कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन्होंने जवाब दी कि दुनिया में वजूद के हिसाब से खुदा, ईमान के हिसाब से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सही जवाब है हुजूर? उस पर तो लाजिम है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी सब इंश्योरेंस होता है। इस कंपनी की ब्रांच दुबई में है जो कि एक लोकल पार्टनर के साथ मिल के ऑफिस खोली गई है। क्या इस कंपनी में काम करना जायज़ है? जायज़ जी। ये मुरीद होने के लिए हैं दानिश अख्तर बलखी, अंसारी अबूजर मोहम्मद अयूब, मोहम्मद दिलशाद सना मोहम्मद इरशाद, शबाना बानो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, नूर फातिमा डॉक्टर मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद शुएब सना मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अजहर सना मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद जुनेद सना मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद फैज़ान रजा सना मोहम्मद रजा रजवी बासनी वाले और सामी हसन या समी हसन खान सनाफ नबी हसन खान, हाफिज सईद अहमद, आसिया वेंडे जेमिसन न्यूजीलैंड। मैंने सबको अल्लाह बरक सुल्ला दाखिल आलिया कादिया बरकातिया रज़ दिया किया अल्लाह ताला बरकात के मशाइख के नाम से लगा से। ये नबी हसन नाम अब ठीक है। फिर तजदीद बैत के लिए हैं मोहम्मद रेहान रजा, मोहम्मद दानिश जमा खान, अब्दुर्रहमान हाशिम, अब्दुर्रहमान इबन हाशिम है, मोहम्मद यूसुफ इबन इब्राहिम, शेख फयाज इबन नवाब, मोहम्मद आदिल रजवी। जी फिर सरकार ताजुशरिय से दुरूद ताज, दुरूद लखी, दुरूद गंजुल अर्श, दुरूद अकबर, हसबुनल्लाह व निअमल वकील, दलालुल खैरात शरीफ, मजमू आमाल रजा, शमे शबिस्तान रजा पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, सैयद बाबा ताजुद्दीन हुसैनी कादरी रजवी। ये शमे शबिस्तान रजा है उसमें। जी मजमू आमाल रजा उसके बजाय। मोहम्मद रशीद परवेज सिद्दीकी रजवी बिन मोहम्मद शरीफ और मकसूदा खातून रजवी बिनते अब्दुल करीम का रिश्ता करना है, हजरत इजाज़त फरमाए। रशीद सिद्दीकी हजरत, मैंने एक इस्लामी एसएमएस ग्रुप बनाया है जिसका नाम मिशन अजहरी है, हजरत इस ग्रुप के लिए कामयाबी की दुआ करें और ग्रुप चलाने की इजाज़त दें। फिर प्लीज कुड यू प्रिस्क्राइब ए वजीफा और दुआ फॉर प्रिवेंटिंग वेट ड्रीम्स, फॉर प्रिवेंटिंग वेट ड्रीम्स, बेड ड्रीम, वेट 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 डब्ल्यू ई टी ड्रीम। जी चारों कुल आयतल कुर्सी। जी वालिद का नाम तौसीफ है, बेटे का नाम अता फरमा दीजिए और बैत भी कर लीजिए। वसीफ अहमद। वालिद का नाम मोहम्मद रजा रजवी, वालिदा का नाम जाहिदा खातून, इनकी दो जुड़वा बच्चियों के नाम इरशाद फरमा दें और सिलसिले में दाखिल फरमा लें। हुजूर ये पैदाइश के दिन से बीमार रहते हैं, इनके लिए दुआ भी फरमा दें। दो बच्चियां ज़ैनब और फातिमा दुआ के लिए हैं। ईमान की सलामती और शरीयत पर इस्तिकामत, कारोबार में बरकत, नेक तमन्नाएं पूरी हों। बच्ची हमशेरा की सेहत के लिए और वालिदैन की सेहत, परेशानियां दूर हो जाएं, औलाद नसीब हो, 8 साल से औलाद नहीं है, काम मिल जाए, इन तमाम तमन्नाओं और दुआओं के लिए अर्ज़ करते हैं जनाब एजाज अली, मोहम्मद दानिशुज़्ज़मा खान, ज़हीर, शाहीन, रशीद, अखलाक, तौकीर, मसूद नूरी, आयशा सिद्दीकी, आयशा सिद्दीका अजहरी, ज़ैनुल आबदीन अंसारी, परवेज ईडू और हामिद रजा और मोहम्मद नजम। सब के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।